हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागुला। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू रिमूव बैड बैकलिंक्स फॉर माय वेबसाइट। बहुत लोग इस बात के मतलब टेंशन में भी रहते हैं कि मतलब ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट की अगर बैड बैकलिंक बन जाते हैं या क्रिएट हो जाते हैं तो कैसे हम रिमूव करें, जिससे हमारी जो वेबसाइट है वो पेनलाइज होने से भी बचे और गूगल की रैंक भी उसकी हाई हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के बैड बैकलिंक्स रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल इसकी प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम अपना बैड बैकलिंक्स रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप वेब मास्टर खोलेंगे अपना, गूगल वेब मास्टर, जिसमें आपने अपनी वेबसाइट सबमिट कर रखी है। वेब मास्टर में आप अपना साइन इन करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कोई सी वेबसाइट खोल सकते हैं जो आपकी लिस्टेड है, जैसे मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ कोई से भी। एम प्लस आप यहाँ पर जाएंगे एक डिसवाओ टूल आप लिखेंगे। सबसे पहले डिसवाओ टूल का ऑप्शन आएगा वेब मास्टर का, ये भी इस पर आप क्लिक करेंगे और सिंपली इसमें आप अपना URL सबमिट करेंगे कि आपको किस URL के आपके बैड बैकलिंक रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरी बहुत सारी वेबसाइट है, तो इसमें से मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ। इसमें फिर मैं डिसवाओ लिंक में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आ रहा है डिसवाओ लिंक, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है चूज फाइल, मतलब आप अपने बैड बैकलिंक के जितने भी आपके बैड बैकलिंक्स हैं उनको आप अपनी टेक्स्ट फाइल में डालेंगे, मतलब नोट पैड में डालेंगे और वहाँ से सेव करके आप इसके अंदर सबमिट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि लिंक्स किस टाइप से होते हैं। सबसे पहले अगर आपको बैकलिंक्स देखने हैं, आप सर्च ट्रैफिक के अंदर लिंक टू योर साइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके बैकलिंक्स दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आपका एक बैकलिंक्स इसमें बना हुआ है domain tools.com, मैं इसको क्लिक करूँगा और ये एक बैकलिंक है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ तक और फिर मैं अपने टेक्स्ट फाइल में इसको सबमिट करूँगा। मैं एक टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल में मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं दोबारा से अपने डिसवाओ लिंक पे जाता हूँ, चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और अपने टेक्स्ट फाइल को कॉपी करके यहाँ ओपन कर देता हूँ और यहाँ सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो URL सबमिट हो गया। बेसिकली जो भी आप यहाँ पर URL डालेंगे, अपना बैकलिंक डालेंगे, तो ये चेक कर लेंगे अपने वेब मास्टर में कि जो आपका ये लिंक है वो बैड है या गुड है। अब बैड गुड कैसे चेक करेंगे, आप सिंपल अपने बैकलिंक को क्लिक करेंगे जैसे मैंने करा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपकी वेबसाइट का बैकलिंक यहाँ पर बना हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर आपकी मतलब जो मैंने बैकलिंक डाला है यहाँ पर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारी वेबसाइट की हमारी वेबसाइट का कोई लिंक नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये बैड बैकलिंक हुआ। कि मतलब जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे बैकलिंक के अंदर, तो उसका रहना गूगल के अंदर वेस्टेज है और गूगल की नज़रों में भी वो सही लिंक नहीं कहलाया जाता। तो इसे कहते हैं बैड बैकलिंक, या फिर आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट पर बैकलिंक बने हुए हैं जो गूगल की नज़र में बैन है या ब्लॉक है। तो आप कोशिश करिएगा कि अपने बैड बैकलिंक कम से कम बनाएं और गुड बैकलिंक बनाने में ज़्यादा ध्यान दें। बेशक आप कम क्रिएट करिए अपने बैकलिंक, बट अच्छे बैकलिंक ज़्यादा क्रिएट कीजिए, मतलब अच्छे होने चाहिए, चाहे वो 5 ही हो डेली के, वो गुड बैकलिंक्स होने चाहिए, बैड बैकलिंक्स नहीं होने चाहिए। इस बात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है एंड आपकी जो गूगल के अंदर रैंकिंग है वो भी डाउन हो सकती है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस था कि आप कैसे अपने वेबसाइट के बैड बैकलिंक्स रिमूव कर सकते हैं। और हमारे अच्छे से वेब मास्टर को समझने के लिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।